यदि आप किसी स्त्री को पल भर में पटाना चाहते हैं, उसके दिलो दिमाग में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आप कागज पे उस स्त्री का नाम लेकर आज रात में यह कर दीजिए और चमत्कार देखिएगा। कल सुबह से ही वो स्त्री आपके प्यार में दीवानी होकर आपके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगी, आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाएगी। सिर्फ उस स्त्री का नाम सादे कागज पे लिखना है और नीचे में मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको लिख देना है और चमत्कार देखिएगा। आज रात में कीजिएगा, कल सुबह से ही वो स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। कैसे करना है इस वशीकरण टोटका को आइए बतलाते हैं। मान लीजिए कि किसी स्त्री से आप प्यार करते हैं लेकिन आपका प्यार आपके नंबर को ब्लॉक कर दी है, आपसे बात नहीं करना चाह रही है, या किसी भी तरह से आपको धोखा दे दी है प्यार में, या नई प्यार है, आप किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं, पल भर में पटाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं उसके साथ में, तो आप सिर्फ उस स्त्री का नाम एक सादे कागज पर लिख दीजिए और नीचे में मैं जो चीज़ बताऊंगा उसको लिख दीजिएगा। बस चमत्कार देखिएगा। आज रात में कीजिएगा, कल सुबह से ही वो एकदम दीवानी बन के आपके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी, एकदम दीवानगी के हद तक आपसे प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी और जीवन भर आपसे ही प्यार करती रहेगी। आपकी सिवा ना किसी को देखेगी और ना ही किसी से बात करेगी। यह इतना पावरफुल वशीकरण टोटका है कि पल भर में किसी भी स्त्री को प्यार में बेचैन कर देता है। यदि वशीकरण करके आप थक चुके हैं तो आप विश्वास के साथ में वशीकरण टोटका कीजिए। और हाँ, मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि वशीकरण का दूसरा रूप होता है विश्वास। विश्वास के साथ में कोई भी काम कीजिएगा वशीकरण, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और वह स्त्री आपके प्यार में दीवानी होगी तो होगी, कोई भी नहीं रोक सकता है। आइए बतलाते हैं कि कैसे आप अपने बिछड़े हुए प्यार को पा सकते हैं, या किसी भी स्त्री को अपना बना सकते हैं, या किसी भी स्त्री को अपने वश में करके उससे शादी कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास कमेंट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, गुरुजी हम किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन उसमें अड़चने आ रही हैं, पहले शादी तय हो गई है लेकिन अब टूट गई है, कुछ ऐसा कीजिए कि उसी से मेरा शादी हो जाए, या ऐसा ऐसा जो भी लव की समस्या है, लव प्रॉब्लम है, तो आप इसका प्रयोग करके आप अपना खोया हुआ प्यार, बिछड़ा हुआ प्यार पा सकते हैं। आइए बतलाते हैं। सबसे पहले आपको एक सादे कागज की जरूरत होगी, सिर्फ सादे कागज और एक लाल स्याही, चाहे मार्कर हो या लाल चंदन घोल करके आप उससे लिखें। बस आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर दीजिएगा, आपका प्यार पल भर में आपसे प्यार करना शुरू कर देगी। आज रात में कीजिएगा, कल सुबह से ही वो आपके प्यार में दीवानी होकर आपके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगी। हम जितने भी वशीकरण टोटका बतलाते हैं या करते हैं 100% आजमाया गया रहता है और पल भर में किसी भी स्त्री को एकदम वश में कर देता है। इस वशीकरण टोटका से आप किसी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं, किसी पुरुष को भी अपने वश में कर सकते हैं। यदि कोई स्त्री है उसको प्यार में धोखा मिला है तो किसी पुरुष को वश में करना चाहेंगे, आप पुरुष है किसी स्त्री को वश में करना चाहिएगा। लेकिन ये मैं आप सभी को बता दूं कि स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम सब कोई इसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आइए बतलाते हैं कैसे करना है। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो आएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाए। आइए बतलाते हैं। एक सादे कागज ले लेना है, जिस भी स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उसका नाम यहां पे लिख देंगे। जिसके मान लेते कि उस स्त्री का नाम है यहां पे कुछ भी नाम, ठीक है ना, यहां पे जिसके मान लेते हैं यहां पे कोमल, ठीक है ना, उस स्त्री का नाम लिख दें यहां पे कोमल, ठीक है ना। आप जिस भी स्त्री को वश में करना चाहते हो उस स्त्री का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। और नीचे में आपको एक चीज़ लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिख देना है, ओम काम देवाय वसम मम स्वाहा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्त्री का नाम लिख देना है। मान लीजिए किसी पुरुष को वश में करना है तो पुरुष का नाम लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओम कामदेवाय वसम मम स्वाहा। उसके बाद में अपना नाम लिखिएगा, जैसे कि मान लेते कि आपका नाम है मनोज तो अपना
नाम लिख देंगे मनोज, आपका जो भी नाम हो आप नीचे लिखिएगा, और जिसको वश में करना है उसका नाम ऊपर लिखिएगा, और यहाँ पे इस मंत्र को लिख दीजिएगा कामदेव गुरु जी का, जो कि वशीकरण के गुरु हैं और बहुत ही पल भर में किसी भी स्त्री को या किसी भी पुरुष को पल भर में वश में कर देता है, दो दिलों को पल भर में मिला देते हैं। आइए बतलाते हैं, जैसे ही यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, बीच इस मंत्र को लिख दीजिएगा, बस आपको विश्वास के साथ में इसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस कागज़ को मोड़ लीजिएगा, मोड़ने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए इसको किसी भी चौराहे पे ले जाकर आपको काम देवा का ये जो मंत्र है, इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके इसको जला देना है। जैसे इसको जलाइएगा राख बनेगा, राख बनेगा, इस राख को आपको क्या करना है, किसी भी काले कपड़े में रख करके बांध लेना है, 7 बार उस पर गांठ लगाएंगे और 7 बार उस स्त्री का नाम लेंगे जिसको अपने वश में करना चाह रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पे लिखे हैं, और उसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, अपने तकिए के नीचे उसको रात में रख करके सो जाना है, और चमत्कार देखिएगा, सुबह से ही वो स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी, एकदम आपके प्यार में इतना डूब जाएगी कि हर पल पल आपको याद करेगी, आपको ही याद करती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए इसका असर रहता है। मेरे भक्तों, यदि आपको समझने में जहां भी दिक्कत हुआ नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो आएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा।